तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर यहाँ पे लगा हुआ है और अभी इसमें लाल रंग की लाइट जल रही है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, मैं आपको वो भी बता दूँ। तो आज सुबह 3-4 बजे ही मेरी नींद खुल गई, उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने यहाँ पे बियोम का ऐप डाउनलोड करके इंटरनेट कनेक्शन चेक किया और मैंने यहाँ पे कनेक्शन बुक भी कर लिया, क्योंकि 25 रुपये देकर हम कनेक्शन बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 15 से 17 नवंबर शो कर रहा है कि हमारा कनेक्शन लगाया जाएगा। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि 100 रुपये तक का हमें डिस्काउंट मिल सकता है अगर हम UPI ऑटो पे से पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर यहाँ पे लगा हुआ है और अभी इसमें लाल रंग की लाइट जल रही है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, मैं आपको वो भी बता दूँ। तो इसमें जैसे डाटा यूज़ हो रहा है और थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब 5 मिनट कह लो या 10 मिनट, इसके बीच में ये बार बार राउटर बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, अपने आप ही रीस्टार्ट हो रहा है। देख सकते हो किस तरह से रीस्टार्ट अभी हो रहा है। ये लाल रंग की लाइट जल गई है, जब रीस्टार्ट होता है तो ये आगे वाली जो ग्रीन वाली लाइट है सबसे पहली, ये शायद जल रही होती है या फिर ये भी 2-4 सेकंड के लिए बंद हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हो कि राउटर रीस्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे धीरे धीरे सारी लाइटें जलने शुरू हो जाएगी। तो ये राउटर बस चालू होने ही वाला है और जैसे ही चालू हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये लाल वाली लाइट जो है ये बंद हो जाएगी। और लाल वाली लाइट जैसे ही बंद हो जाएगी तो समझ लेना इसमें इंटरनेट चालू हो गया है, मतलब आप इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर एक और लाइट जलेगी जो लाल वाली है उसके जस्ट बगल वाली, वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी, जिससे ये पता लगेगा कि इसमें कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही है, मतलब आगे से सिग्नल आ रहा है, इंटरनेट यूज़ हो जाएगा। तो आज सबसे पहले हम अपने इस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाले इस राउटर को, मतलब इस कनेक्शन को हम नीचे वाले रूम में लगाएंगे, क्योंकि इसको नीचे वाले रूम में लगाने की ज़रूरत पड़ गई है और यहाँ पे ये ठीक से लगा भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये काम कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का ये राउटर है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि एयरटेल वाले हम अपने कनेक्शन को यहाँ पे ले आए इस जगह पे, और पहले भी ये यहीं लगा हुआ था। तो काफ़ी समय पहले जब एयरटेल का ही सिर्फ कनेक्शन था तो वो यहाँ लगा हुआ था, और बाद में हमने ये जियो वाला लगवा लिया तो यहाँ लगा दिया। वैसे एयरटेल वाला तो काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं, लगभग 2 साल से ज़्यादा ही हो गया, और ये जियो वाला तो हाल ही में लिया था। तो अभी एयरटेल वाला देखो अपनी ही जगह पे आ गया दोबारा से, तो कुछ इस तरह से लगा हुआ है और इस तरह से पहले भी लगा हुआ था, बस फर्क ये है कि जियो वाला नहीं लगा था यहाँ पे। तो देख सकते हो कि लैंडलाइन फ़ोन भी हमने लगा रखा है और इसका जो लैंडलाइन नंबर है वो यूज़ में भी रहता है, तो इसको यूज़ करते हैं। और एयरटेल वाला जो ये कनेक्शन है लंबे टाइम से है तो ये वाला हटा भी नहीं सकते, और इसका स्पीड और सारी चीज़ें ठीक भी है, तो इसीलिए घुमा फिरा के एयरटेल वाले पे ही आ जाते हैं कोई और कनेक्शन लगवाने के बाद भी। एक बात और कि जियो की जो सर्विसेज है वो मेरे एरिया में पहले नहीं आई, पहले से एयरटेल चल रहा है। जियो एयरटेल के 1-1.5 साल बाद आया है और वो भी अभी पूरी तरह से नहीं आया, मतलब जियो का जो फाइबर कनेक्शन है वायर वाला वो तो अभी भी नहीं आया, एयर फाइबर ये लगा रहे हैं, जबकि एयरटेल का एयर फाइबर दोनों ही कनेक्शन हमारे एरिया में अवेलेबल है। तो कल इस एयरटेल वाले कनेक्शन में पता नहीं क्या हो गया था और बार बार अपने आप ही राउटर रीस्टार्ट हो रहा था, रेड लाइट यहाँ पे जल जा रही थी और बंद हो जा रहा था इंटरनेट। अभी ये प्रॉपर वर्क करने लगा है, ठीक से वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। कल मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, बार बार बंद हो जा रहा था, हर 2-4 मिनट बाद बंद हो जा रहा था, 5 मिनट बाद बंद हो जा रहा था। इसका जो ये येलो वाला वायर है पीछे वाला, ये शायद ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है या फिर ये हिल रहा होगा, जिस वजह से ऐसा हो रहा होगा। अभी अगर मैं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करूँगा तो कंप्लेंट डाल देंगे, उसके बाद एयरटेल के इंजीनियर आएंगे, येलो वाला वायर चेंज कर देंगे, उसके बाद शायद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मैं कोई भी कंप्लेंट नहीं करूँगा इसके लिए। तो अभी दोस्तों हमने जैसे कि इस राउटर को नीचे वाले रूम में करना था तो हमने कंपनी वाले को कॉल नहीं किया और खुद ही ये सब कर लिया। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम कंपनी वाले को बेवजह कॉल नहीं करते हैं, आपको भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस जियो वाले सेटअप बॉक्स के बारे में एक बात बताता हूँ, और आप देख सकते हो किस तरह का ये सेटअप बॉक्स है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये देख सकते हो कि ये हमारा जियो वाला सेटअप बॉक्स है, क्योंकि हमें जियो एयर फाइबर के साथ मिला हुआ है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो जियो एयर फाइबर का जो सेटअप बॉक्स है ये अभी वर्क कर रहा है दूसरे इंटरनेट के साथ भी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है जियो एयर फाइबर का, तो ऐसे में
जो इसका ऐप जियो टीवी प्लस वाला, जो आप किसी और किसी टीवी स्टिक में या फिर किसी टीवी में इंस्टॉल किए होंगे, वहाँ पे वो जियो टीवी प्लस वाला ऐप वर्क नहीं तो अभी करेगा। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखो ये जियो टीवी का सेटअप बॉक्स है और ये जो है दूसरे वाईफाई कनेक्शन के साथ वर्क कर रहा है, क्योंकि जियो वाला जो वाईफाई है एयर फाइबर, उसका रिचार्ज अभी ख़त्म हो चुका है, तो ये जो है दूसरे वाईफाई से काम तो कर रहा है। लेकिन जियो टीवी प्लस मैंने अपने रियल मी टीवी स्टिक में इंस्टॉल कर रखा था, तो उसके अंदर जब मैं प्ले कर रहा हूँ तो वहाँ पे शो कर रहा है कि या तो आप जियो का वाईफाई कनेक्शन यूज़ करो या फिर जियो का सेटअप बॉक्स यूज़ करो, तब जाके जियो टीवी प्लस वर्क करेगा। मतलब कि जियो टीवी प्लस अगर आपको चलाना है तो आपको किसी टीवी स्टिक में आप जियो टीवी प्लस डाउनलोड करो, लेकिन वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन जियो वाला होना चाहिए। सेटअप बॉक्स अगर आपके पास ये वाला है तब आप वाईफाई दूसरा यूज़ करो, चाहे जियो का ही यूज़ करो, तब तो वर्क करेगा। लेकिन अगर आप जियो टीवी प्लस किसी और डिवाइस में इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे में आपको जियो एयर फाइबर या जियो फाइबर का वाईफाई यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से वायरिंग हुई है, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, तो भी आप देख सकते हो। तो ये है सेटअप बॉक्स, और मैं अभी ऑन नहीं करूँगा। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ से अपना एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का जो राउटर लगा हुआ था उसको हमने हटा दिया है, और नीचे वाले रूम के पास लगा दिया है जहाँ पे हम लगाना चाहते थे। वो अभी आप देख सकते हो कि किस तरह से जगह खाली हो गई, और अच्छा भी लग रहा है। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था यहाँ पे, वायरिंग वायरिंग लटक रही थी, और वायरिंग जो है इस वाली वायरिंग के साथ भी लटक रही थी, मतलब उधर से आके ऐसे ऐसे, तो बड़ा बेकार सा लग रहा था। ऊपर से लैंडलाइन भी यूज़ करना था उसी वाले का, तो उसके लिए लैंडलाइन भी मैंने भेज रखा था यहाँ से तार को, तो भी अब हट चुका है और एकदम साफ हो गया है मतलब एरिया। तो दोस्तों ये जो बियोम का इंटरनेट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें दो प्लान है, पहला 50 Mbps वाला, जिसके लिए आपको पे करना है 449 449 रुपये मंथली, और दूसरा जो प्लान है वो है 100 Mbps का, जिसके लिए 549 रुपीज़ मंथली पे करना है। तो देख सकते हो 0 रुपये शुरुआती खर्चे में, और सिर्फ 1 महीने का पैसा देकर लगेगा भी और चलेगा भी लिखा है। मतलब आपको सिर्फ 1 महीने का पैसा देना है, मुझे इसके बारे में जो भी जानकारी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ 1 महीने का पैसा देना है, और आपके घर पे राउटर और सारी चीज़ें जो भी लगती है सब कुछ लगा जाएंगे कंपनी वाले, और उन सारी चीज़ों का कंपनी वाले कोई भी चार्ज नहीं लेने वाले, सिर्फ 1 महीने का पैसा देना है। जैसे कि आपको 1 महीना यूज़ करना है तो 449 का प्लान है, लेकिन शायद पहले महीने में आपको राउंड ऑफ में 500 रुपीज़ पे करना है, जिसमें से 449 का तो आपका प्लान रहेगा, और 50 रुपीज़ शायद आपके अगले बिल में कंपनी वाले एडजस्ट कर देंगे। और ये लोग कुछ डिस्काउंट भी दे देते हैं बीच बीच में, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी बियोम का इंटरनेट लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, बस आपको 1 महीने का पैसा देना है। इंस्टॉलेशन का, राउटर का, या फिर किसी भी चीज़ का, जो भी चीज़ें लगती है और सब चीज़ों का कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं देना, सिर्फ 1 महीने का पैसा देना है और आपके घर पे सारी चीज़ें लग जाएगी, और जैसा कि लिखा है कि आपका इंटरनेट लगेगा भी और चलेगा भी। तो दोस्तों मैं ये बियोम का इंटरनेट लगवाने के बारे में सोच रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता है इसकी सर्विसेज कैसी है। अगर आपने बियोम का इंटरनेट यूज़ किया है तो कमेंट करना, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं ही कनेक्शन लगवाऊँ और आपको जानकारी दूँ इसके बारे में, तो भी कमेंट कर देना। तो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, धन्यवाद।